रोहतक के खराबड़ गांव में पास 3 मई को हुई हत्या के मामले में अहम खुलासा हुआ है। सांपला पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी और उसके साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी के कहने पर ही प्रेमी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर हत्या की थी। आपको बता दें कि 3 मई को सांपला पुलिस को खराबड़ रेलवे स्टेशन के पास कुएं में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान खराबड़ गांव निवासी जसवीर के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ कि जसवीर की हत्या गला घोट कर की गई है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि जसवीर की हत्या में उसकी पत्नी उषा शामिल रही है। उषा ने अपने प्रेमी शीलू उर्फ सोनू से कहकर पति की हत्या करवाई थी। जांच में खुलासा हुआ कि सोनू ने अपने एक और साथी सुनील के साथ मिलकर जसवीर की हत्या की है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हत्या से पहले जसवीर को जमकर शराब पिलाई गई, फिर उसे ट्रैक्टर पर बिठाकर खेतों में ले गए, जहां उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने सोनू और सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रोहतक कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तीन तारीख को डेड बॉडी कुएं में पड़ी मिली थी, उसको निकाल के उसका पोस्टमार्टम कराया, उसकी गला घोट कर हत्या करनी पाई गई। पोस्टमार्टम में शाम को ये पता लगा कि उसके साथ शराब शुरू पी रहे थे। फिर इनको पूछताछ के लिए तलाश कराया घर पर, ये घर पर नहीं मिले। कल फिर इनको पकड़ के सख्ताई से पूछताछ करी, जब इन्हें कबूल कराया कि उसकी हत्या गला घोट कर हमने करी है और उसकी जनानी का कहने पर करी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।